हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोना कितना बीमारी को किस तरीका से दूर करता है और आप सोने का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहला बीमारी, जिन लोगों के मन में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा आपके साथ पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है कंटिन्यू। कभी आप सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, सामने वाला मर जाएगा, आज मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अंदर से आप बिल्कुल भी बेचैन हैं। पिछले 1-1.5 साल तक आपको बिल्कुल भी 1 घंटा भी सुकून का नींद नहीं मिला है, आप कभी भी शांति से नहीं बैठे हैं, तो ऐसा कंडीशन में तुरंत आपको सोने का चैन, सोने का अंगूठी, जो भी हो सके, जितना आपसे पॉसिबल हो सके, आपको पहनना चाहिए। सोना हमारे मन के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और नेगेटिव सोच को कम करता है। सोना इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और जो लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं या जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, ऐसे लोगों को भी गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो कि 5 साल या 6 साल से बड़ा हो गया है, तो ऐसे बच्चे को सोना में रखा हुआ पानी पिलाने से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बच्चा बुद्धिमान होता है। आज के डेट में सोना के बर्तन में तो कोई भी पानी नहीं पी सकता है, इतना सबके पास पैसा नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आपके घर में स्टील के बाल्टी में जिसके अंदर आप लोग पानी रखते हैं, उसके अंदर आप सोना का अंगूठी या सोना का चैन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको गैस में अच्छा से गर्म पानी में साफ करके उस बाल्टी के अंदर डाल के छोड़ दीजिए और डेली बच्चा को इसी का पानी पिलाइए। आप देखिएगा कि उसका दिमाग पे, उसके हेल्थ पे, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा असर होगा। और ख़ास करके छोटा बच्चा को प्रॉब्लम होता है ना, नज़र बहुत ज़्यादा लगता है, इस पानी का सेवन करने से वो नज़र दोष से भी बचा रहेगा। बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। जिन लोगों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाता है, जो बारिश में भीगते ही बीमार हो जाते हैं, या जिनका शरीर हमेशा ठंडा रहता है, लेजी रहता है, आपको काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता है, ऐसे लोगों को भी गोल्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोना बहुत ही गर्म होता है, तो सोने का इस्तेमाल करने से ठंडा का जितना भी बीमारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आस्ते आस्ते देखने को मिलता है। बात करते हैं चौथे बेनिफिट के बारे में। जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, जो लोगों को खाना खाने के बाद भी, बहुत सारा प्रोटीन का सेवन करने के बाद भी शरीर में मांस आता ही नहीं है, गले का हड्डी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाथ में दम नहीं है, जान नहीं है, ऐसे लोगों को भी सोना का इस्तेमाल करना चाहिए, सोना पहनना चाहिए। सोना पहनने से आपके हेल्थ में भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और बच्चा अंदर से ताकतवर होता है, उसके अंदर हिम्मत आने लगता है और आपका दुबला या पतलापन भी आस्ते आस्ते कम होने लगता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सोना पहनने का क्या क्या फ़ायदा होता है। कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सोना पहनने से क्या क्या नुकसान होता है या किस लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।